बहुत लोगों से मतलब वसूली का मामला कर चुके हैं, लेकिन इनके सामने कोई आता नहीं है। क्योंकि सर जैसे मेरे साथ हो रहा है, मैंने कार्रवाई की नहीं, आगे बढ़ा तो कार्रवाई की नहीं, कोई लीगल एक्शन हो नहीं रही उस पर। अगर उसकी बाहर बेल हो जाती है तो सबसे बड़ा खतरा तो मेरी नहीं है। सर फोन पे कभी नहीं देखे कमी कहीं, ये दूसरों के थ्रू ट्वेट कराते हैं, जो इनके मिलने जुलने वाले होते हैं उनके थ्रू ही करवा देते हैं, तो उनकी मैं कंप्लेंट भी ना कर सकूँ क्योंकि उनका कोई मामला नहीं है। ये डायरेक्ट कभी नहीं कहते कुछ भी। नई दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आज एक प्रेस वार्ता कर अपना दर्द मीडिया के सामने बताया। पीड़ित आमिर ने बताया कि मैं दरियागंज में मकान बनाने व रिपेयरिंग करने का काम करता हूं। कई सालों से हम इसी काम से अपना परिवार चला रहे हैं, लेकिन तुर्कमान गेट निवासी हारू, हरीश और कामरान हमारे द्वारा बनाए गए मकानों की शिकायत MCD प्रशासन से करते हैं। कामरान ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक NGO बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से कामरान, हरीश और हारू नए बनाए गए मकानों की शिकायत कर पैसे की मांग करते हैं और पैसे नहीं देने पर मकान तुड़वाने या सील करवाने की धमकी भी देते हैं। और इन बदमाशों ने आमिर से भी 20 लाख रुपए की मांग की थी। एक गिरोह है कामरान नाम का, कामरान, हारून, हरीश, तीन लोग ये चलाते हैं और इन लोगों ने जबरन वसूली के मामले कर रखे हैं यहाँ पे। जो बिल्डर हों या कोई दुकानदार हों या कोई ठेकेदार हों, सबसे जो है कंप्लेंटें डाल के उनसे वसूली करते हैं। कहाँ रहते हैं ये? सर ये कामरान रहता है तुर्कमान गेट पे और हारून और हारिस रहते हैं गली बदलियान में, चूड़ी वालन में। आपकी इस घटना को कितने महीने हो गए? सर 11 फरवरी की बात है, 2 फरवरी से मेरा ये मामला चल रहा है। तो 11 फरवरी को मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी इनकी, तो 11 फरवरी से अब तक सर कोई FIR नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये इतने दिनों के अंदर जो है इन्होंने मुझे फॉलो करके धमकियाँ दी, मेरा मोबाइल वगैरह छीनना चाहा इन्होंने, जिसमें वीडियो बनी हुई थी और मुझे जान से मारने की भी धमकी कई बार मिल चुकी है। कैसे हुई है? सर मैं एक जगह का कॉन्टेक्ट ले रखा था मैंने रिपेयरिंग का, तो वहाँ पे इन्होंने कंप्लेंट डाली 2-3 दफ़ा, तो मैंने कंप्लेंट देख के इग्नोर कर दिया कि ये तुर्कमान गेट पे रहने वाला आदमी मेरी यहाँ बल्ली मारन में लाल कुएं पर क्यों कंप्लेंट डाल रहा है। तो उसके बाद इसने जो है MCD में एक्शन करवा दिया। जब MCD ने एक्शन करा तो मैं एक शख्स आया मेरे पास, इसी का ही भेजा हुआ कि कामरान भाई से मिलो और आपको अगर अपना काम सही करना है तो मैंने किसी रिलेटिव के साथ जाके कामरान के ऑफिस में गया, वहाँ जाके मैंने बात करी। बात करने के बाद वो मुझसे कहता है कि भाई अगर तुम मुझसे पहले मिल लेते तो कंप्लेंटें नहीं होती तुम्हारी। मैंने कामरान भाई अब किस तरीके से निपटेगा मामला, तो उन्होंने ये कहा मुझसे कि भाई 20 लाख रुपए दे दो, मामला निमट जाएगा और अगर आप 20 लाख रुपए नहीं दोगे तो ये साइट पूरी चूरा हो जाएगी, आपकी जगह जो है ये मकान पूरा चूरा करा दूँगा मैं। तो मैंने उनसे बात करके मैंने उनको 10,000 रुपये दिए। मैंने कामरान भाई अभी आया हूँ तो ये रखो, देख लेना आप जो गुंजाइश कर सको। फिर अगले दिन जाके मैंने जो है उनको 20,000 रुपये दिए। इन दोनों की मैंने खामोशी से वीडियो बना ली थी, वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने 10,000 और 20,000 दिए थे इनको। तो जब मैंने वीडियो बना ली इनकी तो इनको पता चला कि मैंने इनकी वीडियो बना ली, तो इन्होंने जो है फिर बदमाशों से कॉन्टेक्ट करके अपने और मेरे पीछे लगा दिए लड़कों को। कई दफ़ा रात में मैं अपने घर जा रहा हूँ तो मेरे पीछे अनजान चेहरे गाड़ियाँ लेके पीछे लगे हुए, धक्का मुक्की करके मोबाइल छीनना चाहा कई दफ़ा। तब मैंने 11 फरवरी को जो है जाके ये कंप्लेंट दर्ज कराई होसकाजी थाने में। जब आमिर ने इन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया तो अब आमिर को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। जब आमिर ने अपनी शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने भी मामला दर्ज करने में कई महीने लगा दिए। आमिर बताते हैं कि पुलिस के बड़े अधिकारियों के दबाव में FIR हुई, जबकि चांदनी महल थाना प्रमुख का बदमाशों पर पूरा आशीर्वाद बना हुआ है, ऐसा पीड़ित पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। चांदनी महल के SHO साहब मुझसे इतने टाइम से सिर्फ यही कह रहे थे कि सर अभी कर देंगे, अभी हो जाएगा, अभी कर रहे हैं।
सर आज नहीं होगा कल होगा, कार्रवाई कर रहे हैं अभी, देखेंगे हम वीडियो देखेंगे, तो वीडियो भी उन्होंने थाने से लीक कर दी। तो FIR हो गई आपकी? अब सर अब हुई है 10-12 दिन पहले FIR हुई है। आपने क्या क्या किया अधिकारियों से? सर मैंने ACP साहब के पास भी गया, DCP साहब के पास भी गया, ज्वाइंट CP के पास भी गया, कमिश्नर साहब के पास भी गया हूँ मैं। तो सब जगह जाने के बाद जब ऊपर से प्रेशर पड़ा इन पे, तब जाके इन्होंने FIR करी है। मीडिया के सामने आने का मतलब क्या है? क्या खतरा? सर मीडिया के सामने आने का मतलब ये है कि सर 12-15 दिन हो गए FIR हुए, अरेस्टिंग नहीं हुई, उन्होंने एक दफ़ा बेल भी लगा ली अपनी एंटी सबेक्टिंग, और बेल लगाने से पहले भी उन्होंने मुझे धमकियाँ दी, बेल लगाने के बाद भी धमकियाँ दी, बेल मैंने कैंसिल करा दी। लेकिन बेल जब कैंसिल हो गई सर इनकी, वो अरेस्टिंग अब भी इन्होंने SHO साहब ने नहीं करी इनकी, और मुझे अब भी जो है बराबर धमकी आती है। SHO मिले हैं उनसे? सर ओबियसली जब अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई तो क्या क्या होगा? अभी क्या मांग कर रहे हैं? सर मैं तो प्रोटेक्शन की मांग कर रहा हूँ और इनकी अरेस्टिंग की मांग कर रहा हूँ बस। और इन बदमाशों के डर से पीड़ित अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने नहीं जा पा रहे हैं। आमिर कहते हैं कि लगता है हमने पुलिस में इन लोगों की शिकायत कर अपनी जान मुश्किल में डाल दी है। पुलिस भी बदमाशों के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। अब आमिर जल्द पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर अपनी व अपने परिवार की जान की रक्षा के लिए गुहार करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।